दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान में सियासत के लिहाज से नए साल का जनवरी महीना काफी खास रहने वाला है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी गठन के बाद राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती है। वहीं 31 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी घोषणा हो सकती है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल के संकेत भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार कामकाज के लिहाज से पिछड़ रहे 4 से 6 मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर उनकी जगह दूसरे विधायकों को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर से कांग्रेस मुख्यालय तक मंत्रियों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा चल रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल के रिपोर्ट कार्ड का आधार, जनता से संपर्क, मंत्रालय में पकड़ और कामकाज की गति, घोषणा पत्र का क्रियान्वयन, कार्यकर्ताओं का फीडबैक, प्रभार वाले जिलों में नियमित दौरे, पंचायत स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की स्थिति, खुद के निर्वाचन गृह और प्रभार वाले जिले में प्रदर्शन। मंत्रिमंडल के नए चेहरों को लेकर फिलहाल पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं। पायलट के साथ रहे विधायकों के अलावा बसपा से कांग्रेस में आए विधायक साथ ही निर्दलीय विधायकों को संतुष्ट करने की बात कही जा रही है। इनमें से कुछ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।